आशा करता हूं कि सभी अपनी तरफ से योगदान देकर लोगों को मोबिलाइज करके मैं पर्सनली काफी जगह पे गई हूँ विजिट करने के लिए, तो एक छोटा सा आपको तब पता रहेगा यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं आप एक जगह का आप नहीं दे रहे हो लेकिन आप नुकसान कर रहे हो कि अपने लोगों को ना सिलेक्ट करके आप अपने नहीं होगा होगा ना घर है तो वही सब चीजें है। मतलब 30 साल होने के बाद भी हमारे एरिया में कोई बदलाव नहीं आया है, नेता चुन के गए है, नेता नए आए हैं, नए लोग आए, सबकी चीजें मिलती है, हम लोग का मिला नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अच्छी चीजें जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है हमें, वो एक चीज हमें मिलना चाहिए। अगर हमें बदलाव चाहिए अपने घर की रक्षा के लिए हम दुश्मन से टकराएंगे, जो न चलाने वालों ने अरे योजना चलाने वालों ने जनता पे आफत ढाई है। हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई, हक की लड़ाई है, घर की लड़ाई। एक हो के हम लोग मिल के महमूद जी को हम साथ देके चिता के उन ये पूरा बांद्रा विधानसभा में हम लोग उनको जीत के लाएंगे। आम आदमी पार्टी में जैसे दिल्ली और पंजाब में अच्छा शिक्षण है, अच्छा हॉस्पिटल है, वैसे हम लोग करा के बम्बई शहर में बदलाव लाएंगे। मेरा दो शब्द कहना। आम आदमी पार्टी किस तरह से काम करती है, आम आदमी पार्टी के लोग क्या काम करते हैं, आप खुद ने भी देखा है, दिल्ली पंजाब में भी देखा है, पूरे महाराष्ट्र में भी काफी कुछ देखा है, आपके एरिया में भी काफी कुछ देखा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो भी लोग जमा है इस पर एक भावी आमदार को देख रहे हो, आप देख रहे हो, आप भावी आमदार को देख रहे हो, महमूद देशमुख ये ना तो यहाँ लोग ये स्टेज से आज यहाँ से कसम खाकर जाइए कि जब तक महमूद देशमुख यहाँ के आमदार नहीं बनेंगे तब तक आप चैन से नहीं बैठोगे। एकदम जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। अरे लेकिन कुछ बातें मैं आज अपने दिल की मैं शेयर भी करूंगा आप लोगों के साथ। बांद्रा विधानसभा मेरे लिए कोई नया नहीं है, मेरे लिए कोई नया नहीं है। दौड़ी कॉलोनी से शुरुआत होती है, जहां सावन साहब जहां से नगर सेवक थे पहली बार वहां से शुरुआत होती है और एंड होता है भारत नगर टाटा कॉलोनी में आते। और अगर वहां हर इलाके के अगर मसले पूछेंगे तो मैं जानता हूं नजदीक से, इनके दौड़ी कॉलोनी का मसला है डिफेंस का, भारत नगर टाटा कॉलोनी का मसला 33-5 और 33 में उलझा हुआ है। कभी कभी अफसोस होता है कि यही राजनीति है कि जैसे अभी हमारे साथियों ने कहा, लोग सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, नगर सेवक बनते हैं, लोग आते हैं पैदल करोड़ोंपति बन के निकल जाते हैं, लेकिन आवाम जिनकी जो जनता है जिनके वोटों के बलबूते पे वो मतलब विधानसभा में जाते हैं वो जहां क्या वहां रहती है उसी दलदल में फंसी रहती है, फंसी होती है। जैसे अभी केरला चले गए मैंने कहा है, सवाल ये उठता है कि चुनाव लड़ने की बात जो है ठीक है, हमारी मुंबई की अध्यक्ष हमारी बड़ी बहन प्रीति शर्मा मेनन जी ने लास्ट मंथ मुंबई में मुंबई मराठी पत्रकार संघ में अपील की, डिक्लेयर किया हम मुंबई की सभी 36 सीटों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, कई पार्टियां हैं या आप सब तो देख रहे हैं कि आज जो बंदरवाड़ चल रहा है, दो शिवसेना है, दो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आदमी कंफ्यूज है कि हम वोट दे तो किसको दे, आज वोट हम किसको दे, अरे आज इनको वोट दे कल वो कहता है उसको मत देना, उधर वो वहां चला जाता है, ये यहां लड़ा हुआ है कल वहां से मांग रहा है, तो लोग कंफ्यूज हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं कि लोग एक कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए, मैं उसके लिए एक ही बात कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बेईमानों के खिलाफ है।
हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरना चाहते हैं। मैं जाहिर तौर पर एक बात कहना चाहता हूं, या लड़ाई हमारी शिवसेना से भी है, या हमारी लड़ाई बीजेपी से भी है, और बहुत बड़े तो हमारी लड़ाई कांग्रेस से भी है। ये देश चलता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से, ये नेता बनते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक। लेकिन लोग जब ताकत में आते हैं, सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, तो संविधान बदलने की बात करते हैं। अभी मैंने कहा 4 महीना पहले हम इंडिया अलायंस के हिस्सेदार थे, पार्टनर थे, हमने साथ दिया कांग्रेस को, कांग्रेस को साथ नहीं दिया। हम कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस या उत्तर नागरिक पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, और अलग अलग जो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखने वाली पार्टियां हैं, जो संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टियां हैं, उनके साथ में मिलकर हमने एक गठबंधन का नाम था इंडिया अलायंस। और उस इंडिया अलायंस के तहत हमने इस देश के अंदर तानाशाह को जमीन पे लाने का काम किया, घुटनों पे लाने का काम किया, पैसा के पे लाने का काम किया। जो तानाशाह कहता था कि मैं 400 सीट पे आऊंगा, 400 सीट पार करेंगे हम और इस देश का संविधान बदल देंगे, उनको हमने घुटने पे लाया और पैसा के पे लाया। वो पैसा किए नीतीश बाबू और चंद्रा बाबू नायडू, जिसका नतीजा ये है कि आज पार्लियामेंट में वो अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हुए भी वक्त बोर्ड के कानून में बदलाव नहीं कर पाते हैं, वो चाहते हुए भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। ये हमारी एक अचीवमेंट है, हमने ये हासिल कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये मैं कहना चाहता हूं कि अभी लोग क्या सवाल करते हैं, भाई आम आदमी पार्टी फिर चुनाव लड़ेगी तो वो डिवाइड होंगे, फिर कब तक कम्युनल फोर्सेस ताकत में पावर में आएंगी? तो भाई एक तरफ का ठेका हमने नहीं लिया है, ये दोनों तरफ से बात होती है कि भाई आम आदमी पार्टी भी अपनी पार्टी। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस देश के अंदर 6 पार्टियां जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिन्हें है, उसमें 6 पार्टी में तीसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी है। एक बात याद रखना, शिवसेना हमारे सामने है, न राष्ट्रवादी हमारे सामने है, न अजीत पवार की पार्टी हमारे सामने है, न शिंदे की पार्टी हमारे सामने कहीं ठहरती है, तो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी हमारी है। ये याद रखिएगा, आप 2 राज्यों में हमारी सरकार है, दिल्ली के अंदर तीसरी बार हमारा मुख्यमंत्री बना, पंजाब में हमारी सरकार है, गोवा में हमारे विधायक है, गुजरात में हमारे विधायक है, और आने वाले कल में मुंबई शहर में भी हमारे विधायक हैं। फिर एक बार मैं कहता हूं, लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी क्यों उठाई है? आम आदमी पार्टी, एक बात याद रखिए, जिस तरीके से पिछले हाथ कई ये 4-5 साल का जो खेल अगर देखोगे और 10 साल का अगर खेल देखोगे, तो यहां बदले की भावना से राजनीति की जा रही है। अगर आप मेरे साथ में नहीं आते हो तो आप देशद्रोही हो, आपको ईडी सीबीआई लगा के आपको जेल में बंद कर दिया जाता है। आज पिछले 10 साल से यही चला आ रहा है इस देश के अंदर, बदले की राजनीति से राजनीति की जा रही है, पार्टी तोड़ी जा रही है, फोड़ी जा रही है, नहीं मानेंगे तो जेल में डाला जा रहा है। एक आम आदमी पार्टी ऐसी है, वो बदले की राजनीति नहीं करती, वो बदलाव की राजनीति करना चाहती है, और वो बदलाव हमने दिल्ली में करके दिखाया, हमने पंजाब में करके दिखाया। दिल्ली में जब शुरुआत में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई और उन्होंने जब ये कहा कि सरकारी अस्पताल जो है वो उसके अंदर बहुत जैसे प्राइवेट अस्पताल है वैसे अस्पताल बनेंगे, या अस्पताल के अंदर किसी को भी 1 पैसा देना नहीं पड़ेगा, वहां के स्कूल अगर आप देखेंगे तो वहां के प्राइवेट स्कूल बंद होते जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में से लगभग 4-5 लाख बच्चे लोगों ने निकालकर, बड़े बड़े ऑफिसर्स के जो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, कॉन्वेंट में पढ़ते थे, उन्होंने निकाल के सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। क्यों? क्यों? सरकारी स्कूल के पढ़ाई का दर्जा जो है वो भी बेहतरीन तरीके से जैसे कॉन्वेंट में। केजरीवाल जी ने यही सोचा, इस देश का वाकई में अगर भविष्य बनाना है, इस देश का भविष्य अगर वाकई में उज्ज्वल करना है, तो सिर्फ एक रास्ता है, इस देश के ये जो बच्चे है ना, ये छोटे छोटे बच्चे, ये देश का भविष्य है, इनको अच्छी पढ़ाई की आवश्यकता है, अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, और ये शिक्षा अगर हम मुफ्त में देंगे, हमको देखिए ये बच्चे अगर पढ़ लिखे कर डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बनेंगे तो ये किसी के मोहताज नहीं होंगे, इनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना।
केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं इस देश के हर बच्चे को मतलब एक आईएएस और आईपीएस और आईआरएस बनाना चाहता हूँ, डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट बनाना चाहता हूँ, प्रोफेसर बनाना चाहता हूँ, साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ। और ये तब मुमकिन है जब उस बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। दोस्तों, क्या आम आदमी पार्टी को लाना चाहिए या नहीं चाहिए? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? अब मैं नुक्कड़ मुद्दे पे आऊंगा। पैसा देंगे और जीत जाएंगे, बाकी 4.5 साल तक हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पैसा बांटा है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आगे के जो 6 महीने बचेंगे, उस वक्त हम फिर लोगों के बीच जाके फिर थोड़ा बहुत पैसा बांटेंगे और फिर मतलब जीत के बांटेंगे। इस 5 साल की बात मैं बताऊंगा, यही भारत नगर बाजू में है, यही भारत नगर बाजू में है, वहां पे 33-5 की और 33-10 की लड़ाई चलती है। वो लोग जब नेता के पास गए, नेता ने उनका साथ नहीं दिया, नेता ने उस बिल्डर का साथ दिया। आज लोग वहां पे उजड़ गए। अगर यहाँ पे कोई बैठा होगा तो बता, उस बात को मान सकता है, क्योंकि नेता कहता है मैंने तो पैसा दिया। आज वो आपको 500 रुपया देता है, कल 5 लाख पे बेच देता है। तो महाराष्ट्र नगर का मसला हो, महाराष्ट्र नगर के लोग भी यहाँ बैठे हैं। ज्ञानेश्वर नगर में तो हर फिलहाल में हम लड़ाई लड़ रहे, हर फिलहाल में लड़ाई लड़ रहे। जिनको आपने चुन के दिया, जिनको जिताया, वही लोग आपको बेचने निकले हैं। संत ज्ञानेश्वर नगर का एग्जाम्पल बहुत नजदीक के सामने यहाँ के सामने। 2 दिन पहले वो विधायक कहता है कि भाई वो जूते से मारो बिल्डर को, और 2 दिन बाद बिल्डर के साथ में गले लगता है। तो ये कह रहा हूं, आज बैरमपाड़े का मसला हो, बैरम नगर का मसला हो, महाराष्ट्र नगर का मसला हो, भारत नगर का मसला हो, या जवाहर नगर का मसला हो, खीरवाड़ी का मसला हो, 3 बंगले की बात हो, जहां जहां के मसले हैं, तो जहां है वहां है। और हम हमारे लेवल पे ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हर मसले हल होना चाहिए। दूसरे कंपाउंड के लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग भी परेशान थे ना, परेशान थे कुछ हद तक। मैं साथ में लड़ाई लड़ रहा था, अगर सोच लो कि अगर मैं बिक गया होता तो आज कैसे कहा रहते, आज घर बनता उस जगह से सही लगे से नहीं करता। तुम लोग हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। तो ये सोचिए कि आप, आपको आने वाले कल में बहुत सारे लोग आएंगे, आपको अलग अलग मतलब बातें रखेंगे, आपके सामने वादे करेंगे, लेकिन आपको सोचना है कि आपको किसका साथ देना। अभी नशे की बात चल रही थी, आप अगर गोली बार में जाकर देखेंगे तो हर घर में हर माँ हर बहन परेशान है, क्योंकि नशा जो है सरेआम चल रहा है, नशे का धंधा सरेआम चल रहा है। और उनको समर्थन किसका है, सपोर्ट किसका है, वो भी लोग समझ रहे हैं कि किसके मतलब सपोर्ट से ये सब नशे नशे का धंधा फल फूल रहा है। सही है ना सलीम भाई, मीडिया वाले हो आप, है ना? तो ये सब बंद होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, अगर सभी की दुआओं से और हमारी पार्टी की मेहरबानी से और सबकी दुआओं से अगर मौका मिला, तो मेरा एक वादा रहेगा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में कहा है कि किसी भी लोकतंत्र तब कामयाब है, लोक जमहूरियत तब कामयाब है, जब एक छोटे से छोटे तबके के अंदर जाके गरीब आदमी के आप आंसू को उसके आंसू पहुंच लोगे, तो समझ जाओ कि उसके आप कामयाब हो गए। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महमूद देशमुख को खरीदने वाला महाकाल पैदा नहीं, क्योंकि मैं उस ऊपर वाले का डर रखता हूं, मैं किसी और का डर नहीं रखता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ उस ऊपर वाले से डरता हूं, क्योंकि आगे में ऊपर को जवाब देना है। मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं इस बांद्रा के अंदर एक अच्छा अस्पताल बने, अच्छी स्कूल यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए, एक अच्छा अस्पताल यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। हमारा ये कहना है, आज गरीब बच्चियां गरीब बच्चे जो है उनको पढ़ने के लिए जब एग्जाम आता है तो सवाल ये उठता है कि भाई पढ़ने का कैसे, घर में एक तरफ छोटा सा रूम होता है, एक तरफ टीवी चलता है और एक तरफ वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो हर मोहल्ले के अंदर एक स्टडी रूम होना चाहिए, लाइब्रेरी कम स्टडी रूम होना चाहिए, ताकि वो बच्चा वहां जाकर अपने लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई करेगा, एग्जाम की तैयारी कर सकेगा। ये
लोगों के साथ में साफ होना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, हमारी बहनों को न्याय मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, हमारे बच्चों के भविष्य को सामने रखते हुए अब काम करेंगे। मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इन्होंने जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद, आज हम लोग आए हैं 176 विधानसभा में, जहां पे आम आदमी पार्टी की जिनका नाम है महमूद देशमुख जी को यहां की आवाम एक एमएलए के रूप में देखना चाहती है। जो नेता काम करेगा हमारा चैनल उसी को अप्रिशिएट करेगा, उसी के साथ उसको सपोर्ट देगा, सम्मान देगा, क्योंकि जनता की आवाज़ हमारी आवाज़ है। ये हम जानकारी लेंगे कि क्या उनकी विचारधारा है, और अगर ये शख्सियत को कोई चांस मिलता है तो ये लोगों के लिए क्या काम करेंगे, लोगों के हित में क्या काम करेंगे, इस बारे में हमारा चैनल जानने की कोशिश करेगा। चलिए बढ़ते इंटरव्यू की तरफ। साथ है महमूद देशमुख जी, आम आदमी पार्टी मुंबई उपाध्यक्ष, जो आज MLA का जो यहाँ के नागरिक यहाँ के रहवासी खास करके महमूद जी को बुलाया गया है कि आप हमारे लिए खड़े रहो, हमारे दुख दर्द तकलीफ जो है उसके लिए आवाज़ उठाओ, तो देखना चाहेंगे कि महमूद देशमुख जी की क्या विचारधारा है और इनकी सोच क्या है, इनका होमवर्क क्या है। महमूद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का आज एक विपुल वजह है कि आप MLA का इलेक्शन लड़ने वाले हैं और इस वजह से आपको जनता सपोर्ट दे रही है, तो आपकी क्या विचारधारा है, आपका होमवर्क क्या है, आप जिस 176 में आप जो लड़ रहे हो तो यहाँ की समस्या क्या है, इस बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो एक मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ कि पिछले एक महीने की बात है, हमारी मुंबई अध्यक्षा सम्माननीय प्रीति शर्मा मेनन जी ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में पत्रकार परिषद लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिक्लेयर किया था कि मुंबई शहर की जो 36 विधानसभा है वहाँ पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उसका ये एक पार्ट है कि पूरे मुंबई शहर में हर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो एक गैदरिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन लगा रहे हैं कि हम विधानसभा की चुनावी तैयारी कर रहे हैं। रही कैंडिडेट की बात, तो पार्टी डिसाइड करती है कैंडिडेट कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, है ना, तो ये पार्टी कैंडिडेट डिसाइड करती है। हम 176 विभाग में काफ़ी आप चर्चे में, खास करके ये चीज़ को लेके, इस बारे में क्या बोलिए। देखिए, ऐसा है ना, ये यहाँ की आवाम का प्यार है, यहाँ के संगठन के लोगों का प्यार है, और इस बांद्रा विधानसभा के अंदर मैं कोई नया नहीं हूँ, मैं कोई पैराशूट से नहीं उतरा, और न मैं कोई किसी महल में रहता हूँ, न बंगले में रहता हूँ, न फ्लैट में रहता हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ, और मैं भी एक आम आदमी पार्टी की तरह इस विधानसभा के जो 70% लोग जो है स्लम में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, मैं भी एक 10x15 के झोपड़ी में रहने वाला एक आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। तो आप अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो आपका, आप जब आप ऐसा बता रहे हैं कि मैं ग्राउंड लेवल का हूँ, तो आपकी टीम, आपकी पार्टी, ये सब आपको आप पूरे इस चीज़ को लेकर एकदम कम्फर्टेबल है? बिल्कुल। देखिए, कैसा है, कोई भी उम्मीदवार जो होता है वो उसकी ताकत जो होती है वो उसका संगठन होता है, उसकी ताकत उसका संगठन होता है। और माशाल्लाह, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि मेरा संगठन जो है वो मजबूत है, क्योंकि पिछले 35-40 साल से मैं सार्वजनिक जीवन में मैं हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ में हूँ, मैंने कई सोशल काम किए हैं। उसके लिए मैं आपको अगर कहूँगा तो समय कम पड़ेगा, फुर्सत से आप मेरा कभी भी इंटरव्यू ले सकते हैं इस मामले में कि मैं आज नहीं काम कर रहा हूँ, या आज मैं लोगों के बीच में नहीं आया हूँ, या चुनावी जैसे चुनावी मौसम में जो लोग आते हैं ना, एक कुकुर मुत्ते की तरह जो लोग उभरते हैं, मैं वो चीज़ नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आवाम के लिए दी है, खिदमत खल्क के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी दी है, तो मैं दुनिया इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर मैं नया नहीं हूँ। तो मैं, और ख़ास करके मैं बांद्रा विधानसभा की अगर बात करोगे तो मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। अगर आप ये कहेंगे बहराम नगर के मसले मसाइल क्या हैं, नौपाड़े के मसले मसाइल क्या हैं, भारत नगर के मसले मसाइल क्या हैं, गोलीबार के क्या है, महाराष्ट्र नगर ज्ञानेश्वर नगर की लड़ाई तो आप लोगों ने खुद कवर किया है। इसके पहले जब मैंने भारत नगर के लिए 33-5 के लिए मोर्चा निकाला था,
उसके भी आप लोग गवाह हो, नैनेश्वर नगर के लपड़े में आप गवाह हो, तो हर मसले में आप गवाह, आप भी खुद गवाह हो। मैं लड़ाई लड़ते आया हूँ, यहाँ पे मसला वो स्लम का हो, यहाँ पे मतलब अगर किसी मतलब बिल्डिंग का भी मसला हो, रिडेवलपमेंट का मसला हो, अस्पताल का मसला हो, यह हम लड़ाई लड़ते आए हैं। तो मेरे लिए मांदरा विधानसभा जो है वो कोई नई नहीं है, तो यहाँ के लोगों के लिए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लड़ते आया हूँ, लड़ता रहूँगा आगे के लिए। 176 विभाग के असेंबली के जो आवाम है, क्या वो जनता के आप भरोसे पे खरे उतरेंगे? अगर आपसे वो कोई चीज़ का डेवलपमेंट को लेके या एजुकेशन को लेके या हॉस्पिटल को लेके उम्मीद रखते हैं, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ तो डिसाइड आवाम करती है ना। चुनाव के अंदर जो वोटर है वो डिसाइड करता है ना, वो किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है। लेकिन मैं समझता हूँ ये पहली बार, क्योंकि आज तक मैं चुनाव में कभी उतरा नहीं, पिछले 35-40 साल के मेरे मतलब पॉलिटिकल लाइफ करियर के अंदर मैं फर्स्ट टाइम मतलब चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और जैसे ही मतलब जैसे कुछ लोगों ने, मैं तो मतलब पार्टी डिसाइड करी, मैंने कहा है पार्टी मुझे मौका देगी और मौका देती है चुनाव लड़ने का, तो मैं मुझे ये उम्मीद है। अब तो सिर्फ एक चर्चा चल रही है, कुछ लोगों में ये चर्चा चली कि भाई महमूद भाई आप चुनाव लड़ रहे हो, तो सामने से लोग ये कह रहे हैं कि भाई महमूद भाई आप चुनाव लड़िए आप, और यहाँ पे मैं, ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा ये इलाका है, ये मेरी सोसाइटी है ना, यहाँ जो भी कुछ लगेगा हम अपने जेब से खर्चा लगाएंगे। कोई कहता है भाई मतलब 100 लगे 200 लगे, पैसा नहीं मांगेंगे आपसे, हम आपके लिए रात दिन एक करेंगे, आपके जैसा इंसान जो है वो चुन के आना चाहिए। जबकि आज हालात अगर आप देखते हो कि ये हालात ऐसे हैं कि नेता जब तक पैसा नहीं देता तब तक लोग वोट नहीं देते हैं, और नेता लालच देता है भाई ये मैं पैसे मतलब 500 रुपया एक वोट का, 1000 एक वोट का, ये बातें चलती हैं। यहाँ पे एक उल्टा है क्या ये, और आम आदमी इसका क्रेडिट पूरा है आम आदमी पार्टी के जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनको जाता है। अमित देशमुख जी, आज जिस तरह के का पूरे, मैं तो बोलूँगा पूरे मुंबई क्या महाराष्ट्र क्या करप्शन का एक माहौल चल रहा है, तो करप्शन को लेकर आपकी क्या सोच है और क्या बोलना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की बुनियाद जो थी वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उससे शुरू हुई थी है ना। तो आज भी हम अगर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ने जाएंगे या मुंबई शहर में भी चुनाव लड़ने जाएंगे तो हमारा मेन एजेंडा यही होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारी होगी। आप पिछले अगर 2-2.5 साल से अगर आपने देखा होगा जो ये शिंदे सरकार आई है, सिवा भ्रष्टाचार के इन्होंने भी कुछ नहीं किया। जीता जागता उदाहरण है मालवन में, जिस मतलब महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी को आराध्य दैवत माना जाता है, उनका पुतला भी अगर गिर जाता है तो इससे बढ़कर मतलब इस शर्म की बात क्या हो सकती है इस सरकार के लिए। पुतला अगर गिर गया है इसका मतलब कहीं ना कहीं उस काम में भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था ईडी के द्वारा, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये भी एक करप्शन का हिस्सा था या वो किस चीज़ का हुआ था? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कैसा है, जब हम चोरों की तरफ उंगली उठाते हैं ना तो हमारे नेता की तरफ उंगली उठाते हैं, भाई अरविंद केजरीवाल जी, हम तो कहते हैं ना डंके की चोट पे, हम कहते हैं कि आप सबूत पेश करो। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मेरा गुनाह साबित करो, मैं खुद होके फांसी पे चढ़ जाऊंगा, है ना। ये भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाले लोग हैं, चोर उचक्के नहीं है। बात सुनिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी चाहते है ना, इनके इशारों पे चलते तो आज भी सत्ता में बैठे रहते, लेकिन एक ईमानदार नेता है, लड़ना पसंद करेगा, जेल जाना पसंद करेगा, लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। तो आगे जाके मुंबई की जनता कहीं ना कहीं ये चीज की एक सपना हो सकता है कि जैसा दिल्ली ब्रांड बना था, पंजाब बना था, तो मुंबई में भी ये सब चीज़ हो सकती है? बेशक, मैं कहता हूँ कि आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं फिलहाल तो मैं बांद्रा विधानसभा की बात करता हूँ, अगर मुझे अगर यहाँ पे मौका मिलता है तो देखिए सबसे बड़ी बीमारी जो है ना हमारे यहाँ पे क्या है, बेरोजगारी। तो मैं यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए नौकरी के लिए मतलब कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं, मैं ये चाहूँगा इस घर में बांद्रा विधानसभा के हर घर का बच्चा जो भी अगर बेरोजगार है उसको अच्छी नौकरी मिलना चाहिए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे, वो हमारी बॉन्डिंग रहेगी उसकी। ठीक है महमूद जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो देखिए किस तरह से महमूद देशमुख जी ने अपनी विचारधारा रखी है और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता, यहाँ के लोग महमूद देशमुख जी से लगाव रखे, एक अपना नज़रिया बता रहे हैं कि ये दावेदार होना चाहिए, ये आगे फ्यूचर में हमारा एमएलए बन के आना चाहिए। और हमारा चैनल का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी नेता है,
जो काम करेगा ये जनता उसी के साथ रहेंगी, क्योंकि ये जनता अभी 2024 में समझदार हो गई है, पूरे तख्ते पलट हो गए हैं, अब उसी को वोट मिलेगा जो यहाँ पे काम करके दिखाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।